गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का 6 o'clock हो रहा है और बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। चले चलते हैं बाहर। मॉर्निंग का टाइम में हम लोग को यहाँ पे डालते हैं साउथ इंडियन लोग का इस तरह सा। तो ये मैं पहले से डाली हुई थी और यहाँ पे देखिए मेरे पेड़ पे कितने सारे फ्लावरिंग आए हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। साथ में एडिनियम भी हुआ है और ये फ्लावर आया है, ये देखिए कितने ब्यूटीफुल है ये भी। और यहाँ देखिए एडिनियम हुआ है, बहुत सारे हुए हैं। बहुत सारे फ्लावरिंग किए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पौधे लगाए हुए हैं जो करेले के पौधे हुए हैं। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बेसन कॉर्न पिज़्ज़ा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी बेसन। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल ले रही हूँ जीरा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कटे हुए प्याज और थोड़े से मैं यहाँ पर डालूँगी चॉप्ड किया हुआ करी के पत्ते। आप चाहे तो धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़े थोड़े पानी डाल लेंगे और एक थिक बैटर बना लेंगे। ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाना है हम लोग को। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डालूँगी खाने का सोडा, जिसे हम लोग मीठी सोडा भी बोलते हैं, ताकि हमारा जो बैटर है अच्छी तरह से फूले और पिज़्ज़ा हम लोग का बहुत अच्छी तरह से बनेगा इससे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हम लोग 2 मिनट के लिए रख लेंगे। तो 2 मिनट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग एक तवा ले लेंगे, इसमें हम लोग लगा लेंगे बटर। तो बटर से जो है ना हम लोग का पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। अब हम लोग जो बैटर बना के रखे थे उसे हम लोग यहाँ पर डाल लेंगे और एक थिक जिस तरह से हम लोग डोसा बनाते हैं उस तरह से हम लोग बना लेंगे। इसे ध्यान रखें ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग मीठी सोडा डालेंगे तो ये फूलने लगेगा। तो ये जब एक तरफ से पकने लग जाए तो दूसरी तरफ हम लोग इसको पलट लेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। तो ये पिज़्ज़ा सॉस जो है मेयो और टोमेटो सॉस दोनों मिक्स करके मैं बनाई हूँ और इसे अच्छी तरह से हम लोग लगा लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ही डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं और चीज़ का क्वांटिटी थोड़ा सा यहाँ पर ही ज़्यादा रखें तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। आप चाहे तो इसे टिफ़िन बॉक्स में भी बच्चों को पैक कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ही डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न और साथ ही में मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर ली ओरिगेनो चिली फ्लेक्स और इसे हम लोग को 2 मिनट के लिए बस ढक लेंगे ताकि हमारा चीज़ मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। तो देखिए 2 मिनट हो चुकी है और मैं निकाल ली हूँ। तो देखिए झटपट से हमारा बेसन कॉर्न पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। और इसी तरह से मैं और एक बना लूँगी, दूसरा भी बना लूँगी इसी तरह से। तो देखिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैं दूसरा भी बना ले रही हूँ इसी तरह से। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा बेसन कॉर्न पिज़्ज़ा कैसा लगा ये रेसिपी। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट ज़रूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसको एडिट करने में भी बहुत मेहनत लगता है।
आज है जेनिसा का वैक्सीन वाला डे है और अब लगने वाला है, आज लगने वाला है जेनिसा को वैक्सीन लगने वाला है क्योंकि वो 5 ईयर कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद जो वैक्सीन होता है वो वैक्सीन लगता है, तो वो आज वैक्सीन लगेगा। और तो चलते हैं, 9 o'clock में हॉस्पिटल जाना है, तो तब तक हम लोग रेडी हो जाते हैं, इसके बाद में हम लोग मिलते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद में हॉस्पिटल। तो ये सेल का है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर देखिए लाइन लगा हुआ था क्योंकि ये अभी का 9 बज रहा है, 9 बजे ही ये खुलता है, लेकिन यहाँ पहले से ही आकर बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चों लोग को भी वैक्सीन दिया जा रहा था, न्यू बॉर्न बेबी लोग को, तो इसी के लिए बहुत भीड़ लगा हुआ था। तो देखिए जेनिसा का वैक्सीन हो गया है, कम से कम आधा घंटा की 1 घंटा हम लोग को यहाँ पर लाइन में खड़ा होना पड़ा। और देखिए वैक्सीन हो गया है। आई होप आप सभी को अच्छे लगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा।